मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है तीज व्रत, हरितालिका तीज नहीं कह सकते इसको हम लोग, के यहाँ पे कजरी तीज बोलते हैं और हर जगह फेमस है तीज के नाम से। तो आज है तीज व्रत और मेरा व्रत है आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा। और देखिए मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है, ये देखिए इस मेहंदी लगा लिया मैंने और थोड़ा मैच करते हुए लगाया है जिससे कि दोनों अलग अलग ना लगे। तो इस हाथ में भी लग गई और इस हाथ में भी लग चुकी थी। सो पैरों में भी मैंने लगा लिया था, वो तो आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा ही होगा, बस एक हाथ बच गया था, वो रात में मैंने लगा लिया। और अभी का सिचुएशन ये है कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी तो हम थोड़ा सा ऊपर शेड का काम करने गए, अच्छा खासा नया सूट पहने थे और ऊपर शेड का काम करने गए कि बहुत बारिश का पानी आ रहा था लॉबी पे मेरे, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा सही कर लेते हैं। उसमें मैं भीग गई हूँ, देखिए सुबह नहा लिया था, नहा वहाँ के पूजा कर लिया, मंगल था जीत नाश्ता वास्ता कर लिए। मैंने ब्लॉगिंग 2:30 बजे से शुरू की है, देखिए 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे से शुरू की है क्योंकि सारा काम फिर फैल गया और ऐसे तो कुछ कुछ काम मम्मी भी कर लेती थी लेकिन आज लग रहा है कि नहीं करने देने, तो हमसे ज़्यादा उनकी भी बुजुर्ग हैं, कंडीशन ख़राब हो सकती है इसलिए उनको नहीं करने दे रहे हैं। और सारा काम हो गया, देखिए कमरों में साफ मैंने ऑलमोस्ट कल ही कर लिया था, बढ़िया सब कुछ हो गया है, बस बारिश की वजह से थोड़ा सा भीग गया, थोड़ा सा काम बढ़ गया था। तो फैमिली आप लोगों को क्या हो रहा है, आप लोगों को क्या कर रहे हैं तीज में, क्या क्या आप लोग करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किन किन लोगों ने मेहंदी लगा ली भाई तो वो सब कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो फैमिली आज रात में जब मैं तैयार होंगी और जब पूजा पाठ करेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ कजरी तीज की पूजा कैसे होती है। बहुत लोगों के यहाँ बहुत बहुत तरीके से होती है, मैं तो फंस जाती हूँ यूपी और बिहार के साइड में। पूरी ज़िंदगी मतलब 25 साल तक तो मैंने अपनी मम्मी के यहाँ कहीं देखा तो वो बिहार थीम बसी हुई है, और फिर जब यहाँ आए तो यहाँ उस तरीके से कुछ नहीं होता है तो लगता है कि यहाँ का करें कि वहाँ का करें, लेकिन सब कहते हैं कि जो यहाँ होता है वही करना चाहिए क्योंकि ससुराल की चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, मैके की चीज़ों को लेकर क्या ही चले वो सही नहीं है। इसलिए मैं मोस्टली चीज़ें यहीं के हिसाब से करती, जो मम्मी करती वही करते हैं। तो बस अब जा रहे पहले थोड़ा नेल पेंट लगाएँ, अभी लगा लेंगे, और कलर जो पैर में लगाते हैं रंग अल्ता तो वो कल अभी शाम को नहाने के बाद लगाएंगे क्योंकि कहते हैं कि नहाने के बाद तो अल्ता नहीं लगाना चाहिए, तो वो शाम को लगाने करने के बाद लगाएंगे। अभी ज़्यादा नेल पेंट लगा लेते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो पहननी है मुझे क्योंकि तीज में गोल्ड की ही पहनते हैं तो वो सब निकाल लेते हैं, सब लॉकर में रखा हुआ है तो वो सब निकाल लेते हैं। बाल सूख जाए तो थोड़ा सा बाल सही कर लेंगे। तो प्यास तो ज़बरदस्त लगी क्योंकि मुझे आदत है थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की, तो प्यास तो बहुत ज़बरदस्त लगी है। वही सोच रहे हैं कि थोड़ी देर लेट जाते हैं थोड़ा सा समय पास हो जाएगा, अभी तो 2:30 बज रहा है, अभी बहुत टाइम है, अभी तो व्रत शुरू ही हुआ है। सो फैमिली बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि आज क्या क्या करते हैं और आप लोग क्या क्या करते होंगे वो जो शेयर करिएगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। ओके फैमिली, देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और कुछ इस तरीके से है मेरा लुक। मेरी साड़ी मेरे भाई ने दी है तो कैसी लग रही हूँ मैं आपको सबर पास ऐसे दिखाती हूँ। तो ये मेरा रहा लुक, मैंने शीशे में इसलिए किया ना कि आप पूरा देख सको, ऐसे तो आप मेरा बस चेहरा ही देख सको, इसलिए मैंने देखी। बस पूजा की तैयारी भी हो गई है और मेरा मैं तैयार भी हो गई हूँ, तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। मैं तो हो गई हूँ तैयार और पीछे से थोड़ी मतलब चाची लोग हैं वो लोग आने वाली हैं आज, वो इस बार वो लोग हम लोगों के साथ ही पूजा करने वाली हैं। तो हम हो गए हैं तैयार और देखिए कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा, मुझे बहुत हमेशा लगता रहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा कर लिया क्योंकि इतना कभी मैं करती नहीं हूँ ना, इस वजह से लगता है। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और
ये साड़ी ही देखिए, मैंने कहा था ना जब मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी आपको कि ये मेरे भाई ने दी है मुझे साड़ी रक्षाबंधन में। तब कि ये थोड़े फूले कपड़े की ना, तो मैं अपने भाई को बहुत डांटती थी, अरे तुमने मुझे फूले कपड़े की क्यों दी, मुझे सिफोन या ऐसे क्या है। लेकिन उसने मेरा अच्छा ही सोच के मुझे देता है, लेकिन मैंने उसको बहुत सुना दिया था। तो कोई नहीं, छोटा है, सुन लेगा, कोई बात नहीं। तो लेकिन बहुत अच्छी लग रही है साड़ी ना, मेरे पास ऐसी साड़ी थी भी नहीं, ये बंधेज की साड़ी होती है और मेरे पास बंधेज की साड़ी एक भी नहीं थी। तो वो हमेशा वही चीज़ देता है जो हम लोगों के पास होती नहीं है। हम बहनों के पास वैसे देखिए कपड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन वो नोटिस करता है कि किस टाइप का नहीं, क्योंकि वो मेरा भाई जो है वो राजरतन में ही साड़ी का एक शोरूम है, वहाँ पे ही वो है मैनेजर है। तो उसमें वो वहाँ पे काम करता है, तो इस वजह से वो तरह तरह की साड़ियाँ हम लोगों को देता है, तरह तरह की का हर चीज़ देता है। तो अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं जल्दी जल्दी पूजा पाठ करते हैं। ओके फैमिली, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को ढेर सारा शेयर करेंगे। ये देखिए शिव जी पार्वती जी हमारे यहाँ बैठ गए, अभी पीछे चाची जी लोग नहीं आई हैं। ऐसे हम लोग केले के पत्ते का मंडप छा के और तब बैठाते हैं, मोस्टली सभी के ऐसे ही होता होगा। तो ये देखिए शिव पार्वती जी को बैठाया, अभी पूजा नहीं शुरू हुई है, अभी पूजा शुरू होगी, तो जब तक मैं हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली है। ये देखिए सारी तैयारियां साइड में रखी हुई है, सब पूजा पाठ में जो चढ़ाना करना है वो सब रखा हुआ है। और इधर माँ काली के मंदिर में भी सुबह पूजा हुई थी, अभी जा रहे हम सोचे कि पहले अब शिव जी की पूजा वूजा हो जाए तभी करते हैं। तो फटाफट अब चाची जी लोग आ जाए तो फिर पूजा किया जाए। तो कैसे लगे हमारे शंकर जी पार्वती जी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे नहीं, सब बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते ना और वीडियो बनी रहो, एकदम पूरा मार एकदम रगड़ दे पूरा मार, कैसा ले अब क्या बने रहे हैं, मारो बिगड़ा दी। बुजुर्ग लोग ज्यादातर इस तरह बहुत करते हैं। और बेटा कैसे हो, जो लोग जूते पहने खड़े थे बेचारे वेट कर रहे थे कि पानी कैसे हटेगा, तो हम यहाँ जाए कैसे। हम तो करते पता नहीं कब निकलता, जूते टूट गए यार, मुझे क्या देखो भाई का सुन गए बस, मम्मा पापा को देखो, पापा को देखो। एक क्या मिनट की बनाए, रोक दें, चलो ढाई मिनट हो जाए।
नहीं तीन मिनट ये अगले साल चली जाएगी कौन कथा पढ़ेगा मम्मी पढ़ेंगी मम्मी तो और नहीं बहुत चीज रहेगा देवी रहेंगी लास्ट तक यही सहारा रहेगा इसके यही है मोहल्ले में किसी लड़के से शादी कर दीजिएगा होता पढ़ाने में तुरंत चली मोहल्ले में दंग का कोई लड़का हो तो नहीं है किससे करोगे सामने दो लड़के क्षेत्रों में अलग अलग नाम से अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है लेकिन विशेष बात यही है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी अतः तुम आली यानी सखी द्वारा हरी गई इससे इसका नाम हरतालिका हुआ और जिस दिन तुमने यह व्रत पूजन किया था उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था अतः सोमवार और हस्तयुक्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रतराज उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और शुभ सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पृथ्वी गौरी ने किया था इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न होते हैं व्रती को वर्तमानित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए व्रती स्त्री को कहता ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरतालिका व्रत का श्रद्धा पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नान आदि से पवित्र हो अपने घर में पूजा घर को पंडित स्तंभ बंदन वास से सजाया वहाँ गौरी महादेव जी की प्रतिमा शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें। शिव पार्वती का आवाहन करते हुए भक्ति पूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनाएं। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें बारंबार नमस्कार करें और कहें हे शिवा हे कल्याणी आपको नमस्कार है ब्रह्म रूपी जगत माता ने सिंह वाहिनी संसार के भय तापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिव जी के साथ गौरी की पूजा करके आरती नीराजन करें और फिर रात्रि जागरण करें यथाशक्ति अनुप्रदान करें। इस व्रत की समस्त विधि स्वयं महादेव जी ने जो जगत माता पार्वती को बताई उसे कथा के अंत में दिया गया है उसका पालन पार्वती पिता महादेवा।
गई और सब कुछ हो गया, बस जा रहे फटाफट बच्चों के स्कूल। कल है, आज तो सबकी छुट्टी थी लेकिन कल सबका स्कूल है, तो इसलिए जा रहे फटाफट चेंज करेंगे, फिर बच्चों को सिलाएंगे। बच्चे खाना वाना खा लिए हैं और बस पूजा पाठ भी हो गई है, अब जल्दी से सुला दें नहीं तो बच्चे कल स्कूल नहीं जा पाएंगे। सो कैसे लगे आपको तीज की पूजा हमारे यहाँ की, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी व्रत कंटिन्यू, कल मॉर्निंग में जो भी पूजा वूजा होगी उसका ब्लॉग कल के ब्लॉग में, मतलब उसकी वीडियो कल के ब्लॉग में रहेगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिनको अच्छा लगा हो वो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे चैनल को ढेर सारा शेयर कर देंगे। और बस मिलते हैं फिर कल के नए ब्लॉग में, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।